हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश मिश्रा, पेंसिल एजुकेशन ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे जागरूकता से जुड़ी हुई कि ट्रस्ट कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं या संस्था को कैसे बेहतरीन ढंग से चलाएं, इन तरह की बातों पे चर्चा करते रहते हैं। एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर ये बताइए कि अकाउंट खोलने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो बार बार फ़ोन भी आता रहता है, 4-5 फ़ोन आज भी आया है और भी दिनों में आता रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि अकाउंट खोलने में, एक ट्रस्ट का अकाउंट खोलने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। देखिए, किसी भी संस्था या ट्रस्ट या एनजीओ या जो है सेक्शन 8 कंपनी, जो भी आप चला रहे हैं, जो भी समाज सेवा कर रहे हैं, उसमें 5 बिंदुओं को जो है फोकस में रखना चाहिए। 5 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। और ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो अकाउंट खोलने में आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो पहला सवाल है कि किस बैंक में अकाउंट खोलें। तो देखिए, मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पे, पिछले 4 साल का अनुभव है सोशल सेक्टर का, आप अपने नज़दीकी, जितने नज़दीकी हो सके संस्था के, उतने नज़दीकी जो बैंक हो, चाहे वो राष्ट्रीयकृत हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, उसमें जो है आप अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ये ध्यान रखिए कि प्राइवेट बैंक में चार्जेस कटते हैं और गवर्नमेंट बैंक में चार्जेस कम या नाम मात्र के कटते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी अकाउंट खुलवाने जाएं, बैंक मैनेजर से सीधे सीधे कहें कि हमको ट्रस्ट का करंट अकाउंट खुलवाना है, नॉर्मल करंट अकाउंट नहीं, बल्कि ट्रस्ट या एनजीओ का या सोसाइटी का करंट अकाउंट खुलवाना है। उसमें किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं कटता है। क्यों? क्योंकि जो है ये सोशल वर्क के अंतर्गत आता है या संस्थाओं के लिए ही ये अकाउंट बनाए गए हैं। तो सबसे नज़दीकी जो है आप अपने बैंक में जाएं और अकाउंट खुलवाने के लिए आवेदन करें। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है उस पर ध्यान देते हैं। आपको सबसे पहले लेना है कि संस्था की एक मीटिंग बुलानी है, ट्रस्ट में जितने मेंबर हों या सोसाइटी में जितने भी मेंबर हों उनकी एक मीटिंग बुलानी है और एक प्रस्ताव लिखना है मीटिंग रजिस्टर पर कि हम फला बैंक में फला लोगों के अथराइज्ड करते हैं कि ये मेंबर जो है उसमें सिग्नेटरी रहेंगे, सिग्नेचर करेंगे और इनके माध्यम से बैंक ऑपरेट करेगा। 1 लोग 2 लोग 3 लोग, जितने लोगों को आप रखना चाहते हैं। मेरा सुझाव ये है कि न्यूनतम लोगों को रखें, 2 लोगों से ज़्यादा रखने पर जो है आपको बैंक ऑपरेट करने में समस्या होती है, अकाउंट संचालन में समस्या होती है, और 2 से कम भी रखने पर विश्वसनीयता जो है मेंबर के बीच में नहीं बन पाती है। तो इसलिए 2 लोगों को रखें ऑपरेट करने के लिए। और उसमें जो है एक ऑप्शन ये करवा दें कि जो साइन करेंगे वो 2 में से किन्हीं एक के साइन करने पर भी पैसा निकल सके। क्योंकि होता ये है कि पता चला कि एक शहर में लोग काम कर रहे हैं, है ना, और हो सकता है कि किसी काम से किसी एक मेंबर को दूसरे शहर में जाके रहना पड़े और दूसरा मेंबर दूसरे शहर में रहे, और जब चेक पे साइन करने की ज़रूरत पड़े या किसी भी चीज़ पे साइन करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर वो उपलब्ध ना हो पाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि एक प्रस्ताव पारित कराइए, उसमें जो है जो जो मेंबर अकाउंट संचालन के लिए जो है आप सक्षम बनाना चाहते हैं उनको आप बनाइए। एक तो अध्यक्ष हो जाता है, दूसरा सचिव या कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतरीन होता है क्योंकि उसका ही काम होता है वित्त का लेखा जोखा करना और वो ही बैंक को डील करे तो वो उसके कार्य क्षेत्र में भी आता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि संस्था का पैन कार्ड। जब तक संस्था का पैन कार्ड नहीं होगा तब तक आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, तो संस्था का पैन कार्ड बहुत ही ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है कि डीड या जो भी सोसाइटी, ट्रस्ट की डीड या सोसाइटी का सर्टिफिकेट,
उसका फोटोकॉपी चाहिए, और सभी पर अगर डीड है तो सभी पेज पर जितने भी फोटोकॉपी होंगे उस पर अध्यक्ष का या मुख्य ट्रस्टी का सिग्नेचर और मोहर होना चाहिए। हाँ, स्टाम्प पेपर भी बहुत ज़रूरी है अकाउंट खोलने के लिए। जो अथराइज्ड होंगे, जैसे दो लोग हैं तो दोनों लोगों का ज्वाइंट मोहर बनेगा, अगर सिंगल हैं तो एक ही मोहर रहेगा, अगर तीन लोग हैं तो तीनों लोगों का ज्वाइंट मोहर बनेगा और सब अपना अपना सिग्नेचर उस पर बनाएंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जितने भी सदस्य आपकी संस्था में हैं, चाहे वो किसी पद पे हों या ना हों, चाहे सदस्य हों चाहे एग्जीक्यूटिव कमेटी में हों, जितने लोगों का आपने नाम डीड में या सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में दिया है, अब बैंक सभी का पैन और आधार मांगते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एनजीओ जो है क्या करते हैं कि जालसाजी करते हैं और वो उसके मेंबर इधर उधर करके जो है पैसे कमाना चाहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए कि आज में वास्तव में इन मेंबर्स की इनकम क्या है, और अगर कभी कोई ऐसी बात आती है तो 10 साल बाद या 5 साल बाद इनकी इनकम क्या है, कहीं ये संस्था बना करके उससे लाभ तो नहीं कमा रहे हैं। तो समाज सेवा का काम है, इससे लाभ नहीं कमाना है, है ना। हाँ, ये है कि व्यक्ति जो है जीवन यापन के लिए उसमें से अपना जो जैसे कहीं आता है जाता है खाता है पीता है, तो उसके लिए उसको जो है, और उसको दिखाना भी ज़रूरी है कि हाँ ये मेंबर यहाँ पर गया, इतना खर्चा हुआ इसके पीछे और इस काम के लिए गया। तो इस तरह से बैंक अकाउंट खोलने के लिए बहुत ही न्यूनतम समय में मैंने बताया है, और इतने सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। नंबर एक, बैंक का चुनाव करना है। नंबर दो, एक प्रस्ताव पारित करवाना है आपको अपनी कमेटी के द्वारा। नंबर तीन, संस्था का पैन कार्ड होना चाहिए। नंबर चार, ट्रस्ट की डीड या सोसाइटी का सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी। और नंबर पाँच, सभी सदस्य के आधार फोटो और पैन। और सदस्य के जो आधार फोटो होंगे या पैन होगा उस पे जो सिग्नेचर, फोटो पे तो नहीं, आधार और पैन का फोटोकॉपी पे सिग्नेचर वो सदस्य स्वयं करेगा, ये नहीं कि अध्यक्ष की मोहर और सिग्नेचर करके वेरीफाई किया जा रहा है, ये नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से अपनी संस्था का बैंक अकाउंट खुलवा पाएंगे, और किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी पूरी पूरी मदद की जाएगी और हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।